तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा यूनिक है, और यूनिक इसलिए है कि शेयर चैट पर जो लोग अर्निंग कर रहे हैं उस अर्निंग को अच्छे इम्प्रूव कैसे कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो पोस्ट होते हैं उसी पर आधारित होती है आपकी अर्निंग। तो कौन सा ऐसा टाइम है जो आपको पोस्ट डालना चाहिए उस टाइम पर, और उस टाइम पर रीच अच्छी मिल सके, व्यूज अच्छे मिल सके, कमेंट्स अच्छे, शेयर्स अच्छे मिल सके, आज के इस टॉपिक में हम यही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दो। सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूं दोस्तों क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि शेयर चैट पर मेरे अलावा कोई वीडियो बनाता नहीं है। तो दूसरी चीज ये कि शेयर चैट पर कोई भी दिक्कत होती है तो आप सीधे मेरे को ही सर्च करते हो, तो क्यों ना चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाओ। इस वजह से कि कोई भी शेयर चैट पर वीडियोस में बनाता हूं तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखा जाए तो शेयर चैट पर आपकी जो वीडियो का कंटेंट है, ध्यान से समझना इस चीज को, आपकी जो वीडियो है जो आप जिस कैटेगरीज में बना रहे हो उस कैटेगरी का पावरफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये एक अलग बात है कि पावरफुल कैसे होती है। भाई पावरफुल होता है कि आपने एक कंटेंट ऐसा बनाया है जो आपको लगता है कि शेयर चैट पर सबसे अलग है, या हो सकता है थोड़ा सा यूनिक है, या औरों से थोड़ा सा हटकर है। इस तरह से जैसे मान लो कोई न्यूज़ बना रहा तो आपकी न्यूज़ कुछ अलग होनी चाहिए, कोई अगर वीडियो कॉमेडी बना रहा तो आपकी कॉमेडी उससे कुछ अलग हटकर होनी चाहिए, कोई अपनी वॉइस से गाना गा रहा तो आपका जो सॉन्ग होना चाहिए वो उसकी कुछ अलग कैटेगरीज होनी चाहिए, कुछ अलग क्राइटेरियाज उसके होने चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए। जब कोई पार्ट यूनिक होगा तो यूनिक पार्ट चाहे आपका कितने भी बजे उसको पोस्ट करो वो रीच ले ही जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाने वाली बात है मेरी वाली, कि आपने कोई भी टाइम में अपने पोस्ट को डाल सकते हो। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग थोड़ा सा क्रिएटिविटी से वीडियो बनाते हैं, यानी कि थोड़ा सबर करते हैं लेकिन क्रिएटिविटी से वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पर उनके साथ देखा जाए तो क्या होता है कि आपने जो वीडियो बनाई है, आज जो भी वीडियो आप बना रहे हो उस वीडियो का कंटेंट अगर आपको लगता है कि ये सबसे अलग है इस पार्ट का कंटेंट, तो भाई आप उस चीज़ से बेफिक्र रहो क्योंकि वो कंटेंट जो है आपका वो एक यूनिक है, तो वो 110% चलेगा। ये चीज़ हो गई उनके लिए जो थोड़ा यूनिक सोचते हैं। अब आते हैं नॉर्मल जो हमारे शेयर चैट पर यूजर्स हैं, जो नॉर्मल शेयर चैट क्रिएटर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो कोई भी पोस्ट बनाते हैं और जो अर्निंग कर रहे हैं, ध्यान से समझना, जो लोग अर्निंग कर रहे हैं ये पार्ट मैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो जो अर्निंग कर रहे हैं भाई उनके लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा मैं कि आपने जो पोस्ट डालनी है अपनी वो सुबह के टाइम डालनी होती है, यानी कि सुबह का टाइम जो होता है वो 7 बजे से लेके 10 बजे के बीच 3 घंटे का टाइम रहता है आपके पास। 3 घंटे के अंदर आप अपनी पोस्ट को डाल सकते हो। क्यों 3 घंटे में बता रहा हूँ वो इसलिए कि मॉर्निंग का टाइम होता है, सुबह सुबह सब लोग अपने घर पे होते हैं, इवन जो शेयर चैट पर आपकी तरह काम कर रहे हैं वो शेयर चैट ओपन करते हैं। जब ओपन करते हैं तो कुछ ट्रेंडिंग भी देखते हैं, जब ओपन करते हैं तो होम पेज पर कुछ स्क्रोलिंग भी करते हैं, जिसकी वजह से आपका सजेशन कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, आपकी पोस्ट पर लाइक आने का, व्यूज आने का। ऐसा कई बार हो चुका है और इस एक्सपीरियंस के थ्रू मैं ये वाली बात बता रहा हूँ, तो ऐसा करना पड़ेगा आपको। तो ये टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक की, आप इसके बीच में पोस्ट डाल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी टाइमिंग एक ऐसी है जहां पर आप पोस्ट डाल सकते हो। अब देखो लंच में बहुत से लोग ऐसे फ्री होते हैं जो कुछ नहीं भी कर रहे हैं, वो तो पूरा दिन ही फ्री रहते हैं, तो उनके लिए वो यूनिक पार्ट वाला पहला वाला आ जाएगा। लेकिन एक लंच का टाइम होता है, मान लो जो लोग ऑफिस हैं, जो लोग कहीं और हैं और फिर भी क्रिएटर हैं, चैंपियनशिप में पैसे कमा रहे हैं शेयर चैट से, तो वो क्या करते हैं लंच का टाइम जैसे ही थोड़ा बहुत मिला अपने ऑफिस से थोड़ा बहुत छुप छुपा के लंच में उसको यूज़ करते हैं। तो स्क्रोलिंग वो भी करते हैं, वो देखते हैं क्या अच्छा आया क्या बुरा आया। उस टाइम में आपके पोस्ट भी जब डले होते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें शुमार बढ़ जाता है आपकी पोस्ट पर व्यूज आने का और लाइक्स आने का। तो ये तरीका हो गया लंच टाइम में। और दूसरी चीज़ अब आ जाती है जहाँ आप अल्टीमेट डाल ही सकते हो, वो टाइमिंग है शाम को 6 बजे का। आप शाम को 6 बजे से रात 12 बजे तक धुआंधार पोस्ट डालो, और आपने अगर ऐसा करा तो मैं यकीनन बता सकता हूं कि आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 पोस्ट डालोगे तो उसमें से कम एक पोस्ट ऐसा होगा जो आपका ऑलमोस्ट उड़ जाएगा, यानी कि व्यूज अच्छे ले जाएगा, यानी कि लाइक्स कमेंट शेयर सब अच्छे आने लगेंगे उस पर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टाइमिंग यही है, आपकी जो सुबह की टाइमिंग है वो 7 से 10 के बीच आप डालें। अगर आपको लगता है कि 7 से 10 के बीच में डाल रहा हूँ और उसके मुझे नहीं मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल पेशेंट रखना है। और दूसरी चीज़, लंच में आपको टाइम नहीं मिल रहा वो भी छोड़ो जी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी भी हाल में आपको शाम को नहीं छोड़ना है, ये याद रहे बस आपको। तो शाम को इसलिए नहीं छोड़ना है कि जितनी पब्लिक होती है, जो लोग ऑफिसेस वाले होते हैं, जो लोग क्रिएटर्स वैसे भी होते हैं, उनके पास शाम का टाइम तो एक ऐसा होता है जो अपने व्यस्त आराम से आराम कर लेते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं।
तो यहाँ पर देखा जाए तो भाई मैंने आज के टॉपिक में पूरी बातें बता दी, जो कि मैंने आपको बताया कि जो लोग यूनिक कंटेंट सोचते हैं उनके लिए कोई टाइमिंग की सीमा नहीं है, वो कभी भी डाल सकते हैं अपने पोस्ट को, क्योंकि उनका पोस्ट लाइक कमेंट के अलावा एक यूनिक पार्ट है, तो वो ऑलमोस्ट लाइक भी ले जाएगा, कमेंट भी ले जाएगा, सब ले जाएगा। लेकिन जो लोग रेगुलरली डाल रहे हैं और चैंपियनशिप में पैसा कमा रहे हैं, जो नहीं भी कमा रहे हैं उनके लिए भी, तो वो एक टाइम है, उस शेड्यूल के अनुसार वो अपने वीडियोस को या फिर इमेजेस को या फिर जो भी उनके पोस्ट है उसको वो पोस्ट करें। तो आई होप कि दोस्तों आज आपको वीडियो ये पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आने पर आपको पता है ना क्या करना होता है, तो बस पसंद आई है तो आपने वो लाइक यहाँ पर दबा दो, और उसके नीचे जो है डिसलाइक लाइक ही दबाओ, और उसके नीचे जो है वो एक डब्बा बना होगा, डब्बा कौन सा पता है, हाँ वही उसको दबा दो बस। शेयर चैट का नहीं है वो, लेकिन दबा दो भाई समझ के कि वो शेयर चैट का ही डब्बा है, सब्सक्राइब कर लो वहाँ पे जाके, और इधर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय।